हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वानी एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल ई फॉर इंग्लिश। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों जो हैं वो टाइप्स हैं एडजेक्टिव की और प्रोनाउन की। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव का टाइप है और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्रोनाउन का टाइप है, पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, चलिए समझते हैं इस वीडियो के थ्रू। पर हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए। चलिए समझते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जैसे आपको पता है कि एडजेक्टिव जो आप लास्ट पहले की वीडियो में कर चुके हो, एडजेक्टिव जो है वो डिस्क्राइब करता है किसी भी नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस में। पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, तो इसका इसकी डेफिनेशन क्या है? दीज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट और मॉडिफाई अ नाउन। ये पॉइंट आउट करता है, बताता है कि पर्सन और थिंग क्या है और एक नाउन को ये मॉडिफाई कर देता है। तो देयर आर फोर मेन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स फोर होते हैं, जो कॉमन होते हैं वो है दिस, दैट, दीज एंड दोज। तो दिस जो होता है वर्ड, ये किस लिए यूज़ किया जाता है? यूज़ किया जाता है फॉर नियर बाय सिंगुलर नाउन। वो नाउन, वो ऑब्जेक्ट या पर्सन जो पास में होता है और सिंगुलर होता है, एक होता है, उसके लिए आप दिस यूज़ करते हो। दैट used for far away singular noun, कोई singular person, एक person या कोई एक object जो दूर है आपसे, लेकिन आपकी नज़रों के सामने, जिसे आप देख सकते हो पर आपसे दूर है, उसके लिए आप that use करोगे। These आप किस लिए use करोगे? These are used for nearby objects or persons, वो persons जो आपके नज़दीक होते हैं, आपके पास होते हैं, और ये प्लूरल होते हैं, एक से ज़्यादा पर्सन्स होते हैं या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसके लिए आप दीज यूज़ करोगे और ये आपके पास होते हैं। दोज यूज्ड फॉर फार अवे प्लूरल नाउन, ये वो नाउन, उस नाउन के लिए यूज़ किया जाता है जो प्लूरल हो, एक से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा पर्सन या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट जो आपसे दूर हो, उसके लिए आप यूज़ करोगे सेंटेंस में दोज वर्ड। ये दिस, दैट, दीज, दोज फोर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। तो इनका हम किस तरह से यूज़ करते हैं सेंटेंस में? हाउ टू यूज़ The demonstrative adjective in a sentence will come just before a noun. Demonstrative adjective किसी भी sentence में noun से पहले आएगा। जैसे आपके पास कोई sentence होता है तो demonstrative adjective plus noun होगा, या तो noun singular होगा या फिर plural होगा। तो जैसे This cup is blue. अब यहाँ देखिए demonstrative adjective this, that, these, those में मैंने this use किया है। This का मतलब ये है कि एक singular object है, cup एक object है, singular है और पास में है, नज़दीक है। तो this cup, cup क्या है? एक noun है। तो this adjective के साथ noun use हो रखा है, so this is a demonstrative adjective। तो ये एक डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है दिस वर्ड। तो हम सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को। दिस मैन इज हैंडसम। अब यहां देखिए दिस एक नाउन के साथ यूज हो रखा है, नाउन क्या है? मैन। तो मैन के साथ दिस वर्ड यूज हो रखा है, तो यहां पर दिस
एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. सेकेंड सेंटेंस है दैट बॉय लुक्स वरीड. अब यहाँ देखिए दैट बॉय, दैट एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और बॉय एक नाउन है, तो नाउन के साथ दैट यूज़ हो रखा है. तो यहाँ पर दैट एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. दीज बुक्स आर वेरी एक्सपेंसिव. अब यहाँ देखिए दीज प्लूरल हैं और ऊपर जो सेंटेंसेस हैं वो सब उसमें नाउन जो हैं वो सिंगुलर हैं, इसलिए हमने दिस और दैट यूज़ किया है. वन मैन है, वन बॉय है, लेकिन अगर वन से ज़्यादा हैं बुक्स हैं तो यहाँ पर दीज वर्ड का यूज़ हो रखा है. तो दीज और दोज हम प्लूरल के लिए यूज़ करेंगे. दीज वर्ड उसके लिए यूज़ होते हैं जो आपके पास में हैं, लेकिन वो चीज़ें या वो पर्सन जो एक से ज़्यादा हो. तो दीज बुक्स आर वेरी एक्सपेंसिव, दैट मीन्स कि बुक्स जो हैं वो आपके पास हैं, उसे आप छू सकते हो, जिन चीज़ों को आप छू सकते हो वो पास में होती है, और दूर जिसे आप देख सकते हो लेकिन आपसे कुछ डिस्टेंस पे हो, उनके लिए हम दोज या दैट यूज़ करोगे. तो दीज के बाद नाउन यूज़ हो रखा है बुक्स, तो दीज एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. दोज बॉक्सेस आर ऑन द फ्लोर. अब यहाँ पर दोज बॉक्सेस जो हैं वो एक से ज़्यादा है, तो दोज वर्ड का यूज़ हो रखा है. दोज इसलिए यूज़ हो रखा है कि इसमें ये बताया जा रहा है कि वो बॉक्सेस आपसे दूर हैं, आप उसे छू नहीं सकते लेकिन आप उसे देख सकते हो. तो दोज बॉक्सेस आर ऑन द फ्लोर, तो दोज एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, उसके साथ नाउन यूज़ हो रखा है, तो दोज एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. अब इन सब सेंटेंसेस में आप देखते हो कि जो एडजेक्टिव है दिस दैट दीज दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, इनके बाद नाउन यूज हो रखा है मैन, बॉय, बुक्स, बॉक्सेस, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है टेक दीज पेंस फ्रॉम हिम. अब यहाँ पर दीज के बाद पेंस यूज़ हो रखा है, नाउन यूज़ हो रखा है, और नाउन जो है वो एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, और इसीलिए दीज वर्ड का यूज़ हो रखा है. दैट मीन्स कि पेंस जो है वो आपके पास है, तो टेक दीज पेंस फ्रॉम हिम, तो यहाँ पे दीज एक डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. दोज फ्लावर्स स्मेल नाइस. अब यहाँ पर देखिए दोज जो हैं वो एक नाउन के साथ यूज़ हो रखे हैं, लेकिन नाउन प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, और ये शो किया गया है कि वो फ्लावर्स जो हैं वो आपसे दूर हैं, तो यहाँ पर दोज डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. दिस इशू विल बी एड्रेस्ड. अब यहाँ पर देखिए दिस नाउन इशू है, उसके पहले यूज़ हो रखा है, और वो इशू मतलब आपके बिल्कुल प्रेजेंट में है, सामने है, और उस इशू के लिए दिस यूज़ हो रखा है, तो दिस यहाँ पर एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. दैट शॉप इज़ ओपन्ड टुडे. अब यहाँ पर देखिए नाउन के साथ दैट यूज़ हो रखा है, तो यहाँ पर दैट वर्ड एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. सो ये थे डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. अब है डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं. डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसे कि आपको पता है प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में नाउन की जगह यूज होने वाले वर्ड्स होते हैं, तो डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है इसे हम हिंदी में निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं. ये क्या होता है? डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट रिप्रेजेंट्स अ नाउन एंड स्टैंड्स अलोन. डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्रोनाउन को रिप्रेजेंट, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है लेकिन अकेला होता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता. देयर आर फोर मोस्ट कॉमन डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स, दिस, दैट, दीज, दोज. अब ये जो फोर डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स है ये डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी हैं, पर इनको डिफ्रेंशिएट क्या करता है एज अ डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, वो है इनका यूसेज.
किस तरह से सेंटेंस में ये यूज़ किए जाते हैं। अब जैसे कि आपको पता है दिस और दैट ये सिंगुलर के लिए यूज़ किए जाते हैं, कोई भी सिंगुलर ऑब्जेक्ट या पर्सन। दीज और दोज प्लूरल के लिए किए जाते हैं, एक से ज़्यादा पर्सन या फिर ऑब्जेक्ट्स। दिस जो पास में है, दैट जो दूर है, दीज जो पास में है, दोज जो आपसे दूर हैं। तो ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी हैं, पर ये अलग हैं, डिपेंड करता है इनका यूज़ किस तरह से सेंटेंस में किया जाता है। हाउ टू यूज़, पर इनको हम एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किस तरह से यूज़ करते हैं। द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इन ए सेंटेंस विल कम जस्ट बिफोर अ वर्ब, ये वर्ब से पहले आते हैं, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन से पहले आते हैं। तो ये जो यूसेज है वो इनको डिफ्रेंशिएट करता है। अब जैसे किसी भी सेंटेंस में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो वर्ब से पहले आता है, और सेंटेंस है दिस इज़ अ ब्लू कप। अब यहाँ पे दिस एक वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है, और उससे पहले दिस वर्ड का यूज़ हो रखा है, क्योंकि कप एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हमने दिस का यूज़ कर रखा है। सो दिस यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। चलिए सेंटेंसेस करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के। फर्स्ट है दिस इज़ ए टेस्टी पिज़्ज़ा। अब यहाँ पर दिस के बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ हो रखा है, इसीलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अब यहाँ पर दैट के बाद इज़ एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रखा है, इसीलिए दैट एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज आर टेस्टी कपकेक्स, प्लूरल है, दीज यूज़ हो रखा है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर है जो इसके साथ है, तो इसीलिए ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दोज आर माई पेंटिंग्स, दोज के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रखी है आर, इसीलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और दोज इसीलिए यूज़ हो रखा है क्योंकि पेंटिंग्स एक से ज़्यादा है, आर इसलिए यूज़ हो रखा है क्योंकि ये प्लूरल में है, इसलिए हम आर का यूज़ करेंगे, और ये एक हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे दिस दैट दीज और दोज है जिनके बाद यूज़ हो रखी है वर्ब इज़ आर आर, इसीलिए एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट वॉज रियली फनी, अब यहाँ पर दैट के बाद वॉज यूज़ हो रखा है, इसीलिए ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, एक हेल्पिंग वर्ब है ये वॉज। दिस लुक्स लाइक ए कार, अब यहाँ पर देखिए ना इज आर एम है, ना वॉज वर है, लेकिन लुक्स है, लुक्स भी एक वर्ब है, और ये प्रेजेंट में है, जो कि हम सेंटेंस कर चुके हैं। टेंसेज आपको पता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये, तो ये एक वर्ब है, दिस जो है वो वर्ब के साथ यूज़ हो रखी है, और उससे पहले ये यूज़ हो रखा है, इसीलिए ये दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज आर जस्ट परफेक्ट, अब यहाँ पर दीज के बाद आर यूज़ हो रखा है, वर्ब है, इसीलिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दोज आर हिज क्लॉथ्स, अब यहाँ पर दोज यूज़ हो रखा है, उसके बाद आर एक हेल्पिंग वर्ब है, और इसीलिए ये दोज एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब ये देखिए योन योंडर, जो कि दैट की तरह यूज़ होता है, जो चीज़ आपसे दूर है, सिंगुलर है, फॉर्मर लेटर सच आर ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, अलॉन्ग विद द फोर मोस्ट कॉमन दिस दैट दीज दोज। तो इनके अलावा योन योंडर, जो दोनों का मतलब एक ही होता है, फॉर्मर लेटर और सच, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। तो ये लेस कॉमन होते हैं, इनको हम ज़्यादा इनकी यूसेज नहीं होती सेंटेंसेस में, लेकिन एग्जांपल्स में आपको दिखा देती हूँ। जैसे योंडर फोर्ट वंस बिलोंग टू शिवाजी, अब यहाँ पर देखिए योंडर जो है वो दैट की तरह यूज़ हो रखा है, तो दैट उधर, इसका मतलब होता है उधर, तो दैट उधर योंडर फोर्ट वंस बिलोंग टू शिवाजी, ये शिवाजी को बिलोंग करती
तो ये योंडर जो है वो उधर के लिए यूज कर रखा है. अगला है दे वेंट टू क्लीन योन टेम्पल्स. अब योन जो है, योन टेम्पल्स भी मतलब दूर की चीज़ के लिए बोला गया है, तो एज ए योंडर यूज़ कर रखा है इसको भी, तो ये भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. द फॉर्मर आइडिया वॉज एक्सेप्टेड. पहले का आइडिया ये एक्सेप्टेड था, तो पहले का आइडिया, देखो फॉर्मर ये नाउन के बाद यूज़ हो रखा है, तो ये भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. और दे प्रेफर द लेटर ऑप्शन. अब लेटर जो है वो एक मतलब एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज़ हो रखा है, क्योंकि ये ऑप्शन नाउन से पहले यूज़ हो रखा है. और यहाँ पर देखिए जितने भी ये वर्ड्स हैं जो लेस कॉमन हैं, ये नाउन से पहले यूज़ हो रखे हैं, इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं. पर ये इतने ज़्यादा यूसेज नहीं है सेंटेंसेस में, इसलिए लेस कॉमन है. तो ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली जो यूज़ किए जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स वो हैं हमारे दिस, दैट, दीज एंड दोज. और सच भी है, आई हेट सच थिंग्स. यहां पर देखिए नाउन से पहले सच का यूज हो रखा है, तो ऐसी चीजों को, तो ये भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. सो अब हम वो सेंटेंसेस देखेंगे जिनमें ये दोनों आते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. तो वो सेंटेंसेस हैं, दिस बुक इज माइन एंड दैट इज योर्स. अब इस सेंटेंस में देखिए दिस और दैट. अब हमने ये चेक करना है कि दिस और दैट में से ऐसा कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो वर्ब से पहले यूज़ हो रखा है, जो नाउन से पहले यूज़ हो रखा है. जो नाउन से पहले यूज़ हो रखा है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, जो वर्ब से पहले यूज़ हो रखा है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. अब यहाँ पर हमने चेक करना है वर्ब और नाउन. दिस बुक और दैट इज. अब दिस बुक में देखिए बुक एक नाउन है और ये इज जो है वो एक वर्ब है, तो दिस जो है वो नाउन के साथ यूज़ हो रखा है, तो इसीलिए दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में पता है आपको कि दिस जो है वो एक नाउन से पहले यूज़ होगा. अब दैट इज़ क्या है, वर्ब है, तो जो वर्ब से पहले यूज़ हो रखा है उसको हम बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. तो ये था ये सेंटेंस जिसमें दोनों यूज़ हो रखे हैं. नेक्स्ट है दीज कुकीज़ आर मोर टेस्टी देन दोज. अब इस सेंटेंस में देखिए दीज कुकीज़, अब हमने वर्ब और नाउन देखना है. अब पहले में तो देखिए दीज कुकीज़ में कुकीज़ क्या है, नाउन, तो हमें पता लग गया कि दीज एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. अब दोज के बाद तो ना ही नाउन है और ना ही वर्ब है, लेकिन ये एक कंपैरिजन है. कंपैरिजन में दोज प्रेफर किया गया है कुकीज़ को, तो कुकीज़ की जगह यूज़ हो रखा है, इसीलिए यहाँ पर जो वर्ड नाउन की जगह यूज़ किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, तो इसीलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा. So thanks for watching the video. This is all about the difference between demonstrative adjective and demonstrative pronoun. So जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए. So thanks once again.